Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our English grammar class. In this class, we will study the chapter 4, kinds of sentences. Sentences kitne types ke hote hain. Okay, let us study. Sentences can be used in 4 different ways. Sentences jo hain, unko 4 alag alag tarike se use kiya jata hai. Theek hai? A sentence can make a statement as एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट बनाता है, जो मतलब स्टेटमेंट बनाता है. देखिए क्या स्टेटमेंट बनाता है. कुछ सेंटेंस हमको दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि दीज स्टार्स आर ट्विंकलिंग. ये जो स्टार्स हैं ये ट्विंकल मतलब शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं. ठीक है, फिर सेकेंड हमको सेंटेंस दिया है द स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग. जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. तो एक हमें पॉजिटिव चीज़ बता रहा है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं और एक हमें नेगेटिव बता रहा है कि वो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, हमको कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं. तो इसलिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट की तरह यूज़ हो रहा है. स्टेटमेंट क्या होता है कि वो हमें कुछ बता रहे हैं. These sentences tell something, they are called statement. ये sentences हमको कुछ बता रहे हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, statements. Okay. Second is a sentence can ask a question. सेंटेंस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. जैसे कि देखिए, आर द गर्ल्स इन द क्लासरूम. क्या गर्ल्स क्लासरूम में हैं. हैव यू डन योर होमवर्क. क्या तुमने अपना होमवर्क किया. ठीक है, दे आर कॉल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इनको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्यों कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक हमसे सवाल पूछ रहे हैं. जैसे कि इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में क्या पूछा, क्या गर्ल्स क्लासरूम में हैं. क्या गर्ल्स क्लासरूम में है, तो ये क्या हुआ बच्चों, एक क्वेश्चन हुआ, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया. तो इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. दीज सेंटेंसेस आर यूज टू आस्क समथिंग. ये सेंटेंस कुछ बात पूछने के लिए यूज होते हैं. अ सेंटेंस कैन गिव एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट. सेंटेंस एक ऑर्डर भी दे सकता है और एक रिक्वेस्ट भी कर सकता है. ठीक है, कैसे, जैसे कि मैंने बोला बी साइलेंट, मतलब चुप शांत रहिए. तो ये क्या हुआ बच्चों, ये एक ऑर्डर हुआ. जैसे कि टीचर्स आपको बोलते हैं बी साइलेंट, तो ये एक टीचर का ऑर्डर हुआ. ओके, नेक्स्ट है प्लीज़ अलाउ मी टू पास. प्लीज़ मुझे जाने दो. ठीक है, अब वो प्लीज़ कर रहा है, मीन्स एक रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, फिर डू दिस, मैंने बोला डू दिस, तो ये क्या हुआ, मेरा ऑर्डर हुआ. फिर मैंने बोला स्पीक अप, बोलो, तो ये क्या हुआ, ये भी एक ऑर्डर हुआ. ओके, ऑल दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और इन्हीं सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें या तो कोई रिक्वेस्ट करता है या कोई ऑर्डर देता है या कोई कमांड देता है. ठीक है, फोर्थ वन इज अ सेंटेंस कैन मेक एन एक्सक्लेमेशन. सेंटेंस क्या एक्सक्लेमेशन भी देते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स भी शो करते हैं. सेंटेंस में हम फीलिंग्स भी शो कर सकते हैं, सुख दुख, एकदम से शॉक होना, ये सब जो फीलिंग्स होती हैं इनको जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सक्लेमेशन. ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ, हाउ स्वीट दिस रोज स्मेल्स. इस रोज की स्मेल कितनी प्यारी है. हाउ स्वीट इज दिस रोज स्मेल्स. What a clever boy he is. ये कितना चतुर लड़का है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि किसी को शाबाशी दे रहे हैं या किसी को किसी की चीज़ को अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो ये क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस हैं. और इन्हीं दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इन्हीं सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहा जाता है. एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. और हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था. ओके, अब कुछ तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखना चाहिए सेंटेंस को लिखते टाइम. पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड इफ इट इज़ अ स्टेटमेंट एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट. देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना ही चाहिए. ठीक है, जैसे कि हमने सेंटेंस लिखा The stars are twinkling. The stars are twinkling. ये क्या है बच्चों? ये एक स्टेटमेंट है, बता रहे हैं वो. तो इसके बाद हमें क्या लगाना है, उसके एंड में फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है, नेक्स्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड इफ इट इज़ अ क्वेश्चन. अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन है या वो कुछ हमसे पूछ रहा है, तो हमें उसके बाद में बच्चों क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क.
ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन. ओके, लास्ट इज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड इफ इट इज एन एक्सक्लेमेशन. अगर वो सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है तो हमें उसके बाद क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क. अब कैसा होता है, जैसे इन्होंने लिखा था वॉट अ क्लेवर बॉय ही इज, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि व्हाट अ क्लेवर बॉय, वो कितना चतुर है. ठीक है, यही बेटा हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करना है. ओके, सो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट है, देन जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगा के सेंटेंसेस को फिर से लिखना है. ठीक है, अब पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, यही फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब का यूज़ करना है और कैपिटल लेटर का यूज़ करना है और इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये डेफिनेशन बताना है करेक्ट उसकी, तो ये मैंने ये सॉल्व किए हैं, आप लोग भी इनको बुक में सॉल्व करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.